अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 19। ए की वैल्यू हमें दी गई है 1, 2, 3, 4 एंड बी की वैल्यू है हमारे पास 2, 4, 6 एंड 8। नाउ ये वाले क्वेश्चन है शो दैट, इट मीन्स कि हमें प्रूफ करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास क्वेश्चन है ए डेल्टा बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम या तो राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड कोई भी एक साइड चूज करेंगे। टेकिंग राइट हैंड साइड, जिसमें हमें सबसे पहले शो करना होगा ए यूनियन बी। ए की वैल्यू मेरे पास 1, 2, 3 एंड 4। आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं ये लिख दूँ पहले यहाँ पे। तो उसमें से सबसे पहले मैं ये चूज़ कर रही हूँ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में ए की वैल्यू मैंने पुट कर दी यूनियन की साइन, बी की वैल्यू मेरे पास है 2, 4, 6 एंड 8। यूनियन में क्योंकि हम वैल्यूज़ को तरतीब देते हुए लिखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 6 एंड 8। अब बारी आती है ए इंटरसेक्शन बी की। तो ए की वैल्यू फिर मेरे पास 1, 2, 3 एंड 4 इंटरसेक्शन 2, 4, 6, 8 बी की वैल्यू। अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो कॉमन वैल्यूज़ होती हैं उन्हें पुट करते हैं 2, 4। अब मैं अगर इनको आपस में जो हमारा क्वेश्चन में है पूरे राइट हैंड साइड पे कि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी 1, 2, 3, 4, 6, 8 माइनस ए इंटरसेक्शन की वैल्यू आई थी 2 एंड 4। क्योंकि हम माइनस में क्या करते हैं, जो कॉमन वैल्यूज़ होती हैं उन्हें कैंसिल करने के बाद जो फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यूज़ बचती हैं उन्हें लिखते हैं। तो 2 और 4 हमारे पास सेम वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में मेरे पास जो वैल्यू बचती है 1, 3, 6 एंड 8। तो ये हमारी जो है राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व कर लिया है। देन हम जो है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास क्या है ए डेल्टा बी। ए की वैल्यू मेरे पास है 1, 2, 3, 4 डेल्टा का साइन, देन 2, 4, 6, 8। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। डेल्टा का मींस होता है कि जो कॉमन वैल्यूज़ हैं हमारे पास उन्हें हम माइनस कर दें, और माइनस करने के बाद जो हमारे पास दोनों बॉक्स में जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी उन्हें हम लिखें। तो जो हमारे पास सेम वैल्यूज़ हैं वो कौन सी हैं, 2 एंड 4। ये दोनों हमारे पास कॉमन वैल्यूज़ हैं। इसके अलावा जो हमारे पास बच रहा है 1, 3, 6 एंड 8। हैंस इट इज़ प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप व्यूअर्स आपको भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे पास ए
delta B is equals to A minus B union B minus A. Okay, again we have to take a one side, so we are taking left hand side. एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले इसलिए लेते हैं ताकि जो बड़ी वैल्यू है, या किसी भी साइड को आप ले लें, जो बड़ी वैल्यू है पहले आप उसको सॉल्व करें. ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए. तो ए माइनस बी को मैं पहले सॉल्व करूँगी. ए की वैल्यू है मेरे पास 1, 2, 3, 4 माइनस बी की वैल्यू है मेरे पास 2, 4, 6, 8. माइनस हम जब भी करते हैं तो जो कॉमन वैल्यूज़ होती हैं उनको ख़त्म करने के बाद जो फर्स्ट ब्रैकेट में बचता है हम उसे लिखते हैं. तो 2 और 4 हमारे पास कॉमन आ रहा है, हमारे पास सिर्फ बचता है 1 और 3. अब हम लेते हैं बी माइनस ए. बी की वैल्यू है मेरे पास 2, 4, 6, 8 माइनस ए की मेरे पास है 1, 2, 3 और 4. कैंसिल हो गई. हमारे पास जो बचती है फर्स्ट ब्रैकेट में वो बचता है 6 और 8. तो ये हमारे पास आया ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए. तो ये ए की वैल्यू है मेरे पास 1 और ए माइनस बी की वैल्यू मेरे पास 1 और 3. बीच में आएगा यूनियन का साइन और जो बी माइनस ए की वैल्यू निकली 6 और 8. यूनियन में हम क्योंकि वैल्यूज़ को तरतीब दे के लिखते हैं तो 1, 3, 6 और 8. नाउ आई एम टेकिंग राइट हैंड साइड. ए डेल्टा बी. तो अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे. ए की वैल्यू है 1, 2, 3, 4 डेल्टा का साइन. बी की वैल्यू मेरे पास 2, 4, 6, 8. डेल्टा के साइन हमें पता है कि जो कॉमन वैल्यूज़ होती हैं उन्हें कैंसिल करने के बाद जो दोनों ब्रैकेट में वैल्यूज़ बचती हैं उन्हें हम लिखते हैं. तो 2 और 4 हमारे पास सेम वैल्यूज़ है, हमारे पास बचता है 1, 3, 6 और 8. दिस इज़ द आंसर, हैंस प्रूफ्ड. क्योंकि हमारे दोनों साइड्स का आंसर सेम आया है, राइट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड.